हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजे एडुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती 2020 के बारे में। इसके लिए जो है कब से आवेदन जो है लिए जाएंगे और इसका नया शेड्यूल जो है कब जारी किया जाएगा और आवेदन की जो पूरी प्रक्रिया क्या रखी गई और कब तक जो इसका आवेदन का जो पूरा प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। तो जैसा कि आप लोग ये पेपर कटिंग देख रहे हैं और यहाँ पे बताया जा रहा है कि 90,000 शिक्षकों के नियोजन का नया शेड्यूल इस सप्ताह में जो आप लोगों का जो है नियोजन का नया शेड्यूल जो है जारी कर दिया जाएगा। और यहाँ पे पूरी डिटेल्स में आप लोगों को बताया गया है कि चुनाव के पूर्व राज्य सरकार 90,000 से अधिक प्राथमिक शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया को पूरा कर लेगी। तो 90,000 जो है शिक्षकों की जो भी पूरी प्रक्रिया है उसे जो है जल्द ही पूरा कर ली जाएगी। और इसी क्रम में बुधवार को शिक्षा विभाग ने नियोजन को लेकर विधि विभाग को भेजा गया प्रस्ताव वापस ले लिया है। प्राथमिक शिक्षा डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि छठे चरण में इस नियोजन का प्रक्रिया का नया शेड्यूल इसी सप्ताह जारी कर दिया जाएगा। तो इस सप्ताह में आप लोगों का जो नया शेड्यूल आने वाला है, जैसे ही शेड्यूल आती है हम आप लोगों को जो है अपडेट कर देंगे। उसके बाद जो नीचे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि जारी कर दिया जाएगा और 18 महीने डीएलएड करने वाले जो भी कैंडिडेट हैं वो 30 दिनों के अंदर जो है आप लोग आवेदन कर पाएंगे। तो 30 दिनों का आप लोगों को जो है समय दिया जाएगा, इसके अंदर जो आप लोग आवेदन कर लीजिएगा। और राज्य सरकार की कोशिश है कि अगस्त तक नियोजन की हर प्रक्रिया जो है पूरी कर ली जाएगी। तो जो भी इसके जो है नियोजन का और आवेदन का जो भी प्रक्रिया है, नया शेड्यूल सभी जो है अगस्त से पहले जो आप लोगों का जारी कर दिया जाएगा। और चुनाव से पहले जो भी आप लोगों का जो एग्जाम रिजल्ट या कोई भी जो भी है वो सभी को जो क्लियर करके आप लोगों का जो अगस्त चुनाव से पहले जो भी है जो अगस्त तक जो आप लोगों का नियोजन ले लिया जाएगा। तो यही अपडेट जो हम आप लोगों को देना चाहते थे। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, नीचे में बताया जा रहा है कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने कहा कि नियोजन के संबंध में विधि विभाग के मार्गदर्शन मांगने का प्रस्ताव वापस लेने का निर्णय लिया। इसके अलावा विधि विभाग को पत्र लिखा गया कि नियोजन प्रक्रिया में अब किसी तरह की बाधा नहीं है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि कोई भी बाधा नहीं है और जो है जल्दी आप लोगों का जो है नियोजन का प्रक्रिया जो है पूरी कर ली जाएगी। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि इसमें बताया गया है कि अगस्त तक आप लोगों का जो है नियोजन का हर हाल में जो है पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये जो है शिक्षक भर्ती के लिए एक अच्छी खबर है। आप लोग अगर शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं और आप लोगों ने जो है डीएलएड कर रखा है तो आप लोगों को 30 दिन का समय दिया जाएगा, उसके अंदर आप लोग जो है जल्द से जल्द आवेदन कर लीजिएगा। और आवेदन करने के बाद जो है आप लोग जो है इसके नियोजन की सभी प्रक्रिया जो भी रखी के जाएगी उसके जो है पूरी कर ली जाएगी और आप लोग जो है नियोजन कर पाएंगे। तो यही जानकारी हमें देनी थी आप लोगों को। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी तरह के अपडेट जो है लाते रहते हैं। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।